मानव मस्तिष्क बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एक जटिल अंग है और मस्तिष्क ही इंसान की सारे क्रियाकलाप को नियंत्रित करते हैं। आपने भविष्य के लिए जो सपना देखा है, मस्तिष्क ही उसे साकार करते हैं। आपकी आचार विचार को दिशा प्रदान करती है। हाय दोस्तों, मैं हूँ शुभोजीत और आज मैं मानव मस्तिष्क के 18 ऐसे विशेषताएं बताने वाला हूँ जो इस बात को साबित करेगा कि आप जो हैं और आप जो होंगे इसके पीछे मस्तिष्क का ही हाथ है। तो चले जानते हैं मस्तिष्क की बनावट कैसी होती है और इसकी खास विशेषताएं क्या है। मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन में मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा डाइनसिफालोन, चौथा ब्रेन स्टेम। मानव ब्रेन खाते अधिक है लेकिन अपना वजन बहुत कम होते हैं। एक स्वाभाविक मानव ब्रेन का वजन इसके शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन ब्रेन शरीर के अधिकतर शक्ति एवं 20% ऑक्सीजन का उपयोग करती है। ब्रेन का अधिकतर भाग पानी है। मानव मस्तिष्क में लगभग 73% पानी होता है। आपका ध्यान, याददाश्त और बुद्धिमत्ता के लिए 2% पानी का उपयोग होता है। एक मानव ब्रेन का वजन कितना है? एक स्वाभाविक मानव ब्रेन का वजन 1.361 किलोग्राम है, जिसकी 60% भाग फैट्स या चर्बी है। यह मानव शरीर का सबसे अधिक चर्बी वाला अंग है। पूरे शरीर के 20-25% कोलेस्ट्रॉल यही पर होता है। कोलेस्ट्रॉल की कमी से मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ब्रेन में कोई मसल यानी मांसपेशी नहीं होती, पर शरीर में स्थित अन्य मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क में ऑक्सीजन युक्त खून की आपूर्ति निरंतर होना चाहिए। निरंतर खून की आपूर्ति के लिए पूरे ब्रेन में बारीक रक्त नलिका जाल की तरह बिछा हुआ रहता है। इन रक्त नलिका की लंबाई सैकड़ों मील तक है। एक सामान्य व्यक्ति की शरीर में 10 लाख मील लंबाई की रक्त नलिका होती है, इतनी लंबी कि पृथ्वी की 4 चक्कर लगाया जा सकता है। मस्तिष्क के कोशिकाओं की संख्या सुनकर आप भड़क तो नहीं जाएंगे। ब्रेन में 86 बिलियन यानी कि 8,600 करोड़ कोशिकाएं हो सकती है। ब्रेन न्यूरॉन के सामने सुपर कंप्यूटर भी असहाय है। एक एक न्यूरॉन प्रति सेकंड में 1,000 से भी अधिक सिग्नल या संकेत भेज सकती है और 10,000 से भी अधिक अन्य न्यूरॉन कोशिकाओं के साथ संपर्क में रहता है। मस्तिष्क में सरसों के एक दाना बराबर भाग में लगभग 1,00,000 न्यूरॉन और 1 बिलियन अर्थात 100 करोड़ साइनेप्स यानी कोशिकाओं के बीच की खाली स्थान होते हैं, जो आपस में हरदम एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई या आपूर्ति बाधित हो तो क्या होगा? मस्तिष्क में निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई या आपूर्ति होना ही है। 5 मिनट ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होने पर बहुत कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी और मस्तिष्क को बहुत नुकसान पहुंचेगी, जिस कारण आंखों की रोशनी खोना, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या कोई अंग काम करना बंद कर देते हैं। युवाओं के मस्तिष्क मैच्योर या परिपक्व बिल्कुल नहीं होता। इनसे गलतियां हो सकती है क्योंकि मानव मस्तिष्क 25 साल से पहले मैच्योर या परिपक्व नहीं होता। 30 की उम्र में इंसान के दिमाग कई समस्या का हल ढूंढ सकता है। 40 और 50 की उम्र में दूसरों के प्रति सहानुभूति, लगाव, जिम्मेदारी समझते हैं। 60 और 70 की उम्र तक इंसान को कई विषय या क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल होती है। इंसान की मस्तिष्क तीसरी आंख जैसी काम करती है। कोई अंधा व्यक्ति आवाज सुनकर, छूकर और गंध से अपने आसपास की दुनिया को देख सकते हैं। इस तरह इंसान के मस्तिष्क तीसरी आंख के रूप में काम करता है। फॉर्मूला 1 रेसिंग कार आपके सर पर है, चौंकिए मत। आपके सर पे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से भी अधिक गतिशील यान है, जो प्रति घंटे 268 मील की गति से मस्तिष्क तत्व आपस में आदान प्रदान करते हैं। आपका मस्तिष्क बिजली घर जैसा काम करते हैं। जी हाँ, आपका मस्तिष्क 12 से 25 वाट तक बिजली उत्पादन करने में सक्षम है, जिससे कम क्षमता के एक LED बल्ब जला के रखा जा सकता है। मानव मस्तिष्क एक रैंडम थॉट जनरेटर है। एक मानव मस्तिष्क एक दिन में 50,000 थॉट जनरेट कर सकते हैं, यानी 50,000 विचार, आशा, निराशा, चिंता, भय, साहस आदि दिमाग में आती जाती रहती है।
अधिक चिंतन के कारण तनाव, अवसाद और पागलपन की लक्षण उभर कर आती है। मेडिटेशन यानी योगा ध्यान से हम इन सबको कम कर सकते हैं। एक चित्र को देखने में कितनी समय लगती है? क्या सिर्फ आँखों से चित्र को देखा जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि ब्रेन की प्रतिक्रिया के बिना आप चित्र को देख ही नहीं सकते। यदि आप किसी चीज को देखते हैं तो आँखों के माध्यम से दिमाग तक पहुँचती है और दिमाग उसे देखने लायक बना के 13 मिलीसेकंड में यानी कि पलक झपटते ही आँखों के सामने रख देते हैं। लो देखो और हमें चित्र दिखाई पड़ता है। अधिकतर समय मस्तिष्क अपने आप काम करते रहते हैं। आपने महसूस किया होगा दिमाग में स्वतः ही बीते हुए समय की यादें, बीता हुआ अच्छा पल, डरावना समय की यादें, आने वाले समय के बारे में ख्याल आते रहते हैं। इसलिए दिमाग की सोच को स्थिर करने के लिए योग ध्यान की आवश्यकता होती है। हम जो सोचते हैं उसी की चित्र हमारे मस्तिष्क में उभर कर आती है। जैसे कि यदि हम दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो लाल किला या दिल्ली शहर का चित्र हमारे दिमाग में तुरंत उभर कर आती है। यदि हम कभी दिल्ली गए ही नहीं फिर भी दिल्ली के बारे में कोई एक काल्पनिक चित्र हमारे आंखों के सामने उभर कर आएगी। ब्रेन की काल्पनिक क्षमता बहुत तेज होती है। आने वाले समय में क्या हो सकता है आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। मस्तिष्क को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इससे ब्रेन स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने सोच विचार को एक अच्छा दिशा प्रदान कर सकते हैं। कुछ सीखना, खुली हवा में सैर करना, स्वस्थ भोजन, अच्छी नींद, सुनकर लिखना, डांस करना, संगीत और उचित व्यायाम आदि से हम अपने मस्तिष्क को तंदुरुस्त रख सकते हैं। पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के अनुसार कोई भी विदेशी भाषा सीखना दिमाग के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। मस्तिष्क कभी आराम नहीं करता। हम सब लगभग 8 घंटे सोते हैं तब भी मस्तिष्क अपना काम निरंतर करते रहते हैं। इसके साथ सपने भी आती रहती है। मानव मस्तिष्क में रिसेप्टर्स नहीं होता इसलिए दर्द महसूस नहीं कर सकता। बिना बेहोश किए व्यक्ति का ऑपरेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना है। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।